माँ अम्बे में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वृषभ राशि के लिए मासिक राशि फल अप्रैल 2023 की चर्चा करेंगे। अप्रैल 2023 वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा, ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा और उनके स्वास्थ्य, उनकी संतान, शिक्षा, लव रिलेशन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, इनकम, धन का आगमन कैसा रहेगा, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग आज करेंगे। आपकी यह राशि आपके जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र 6 अप्रैल को अपने स्वराशि वृषभ राशि से गोचर करेंगे। गुरु 22 अप्रैल को मेष राशि से गोचर करेंगे और सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष राशि से गोचर करेंगे। सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपके लगन भाव प्रथम भाव से देखा जाता है और प्रथम भाव के स्वामी शुक्र जब 6 अप्रैल को आ जाएंगे आपके प्रथम भाव में अपनी स्वराशि में तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप पॉजिटिव सोचेंगे और आपका शरीर से और मन से आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आपके संतान की बात करें तो संतान पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी बुध आपके 12वें भाव से पूरे महीने गोचर करेंगे और 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है तो आप संतान से थोड़ी सी आपकी मन दुखी हो सकता है। आपके संतान आपके मन के अनुसार कार्य नहीं करेंगे। अगर आपका जो विद्यार्थी वर्ग है तो विद्यार्थी वर्ग को के लिए भी पंचम भाव देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी बुध 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई में मन कम लगेगी या उनको मन करेगा यार ये छोड़कर कोई दूसरा चीज की तैयारी की जाए, मैंने मन एकाग्रचित्त नहीं रहेगा, उनकी मन उहा वोह में रहेगी तो शिक्षा की दृष्टि से भी विद्यार्थियों के लिए अप्रैल के महीना उतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर लव रिलेशन की बात करें तो भी पंचम भाव से देखा जाता है, जब शुक्र 6 अप्रैल को आपके प्रथम भाव से आ जाएंगे तो आपके लव रिलेशन में सुधार होगा, दोनों के बीच अच्छी तालमेल बनेगी, लेकिन 6 अप्रैल से पहले थोड़ा संभल कर रहे हैं क्योंकि शुक्र आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपके सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी मंगल आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। जब शुक्र आ जाएंगे 6 अप्रैल को तो वैवाहिक जीवन में जो भी खटासे थे वो आपकी दूर हो जाएगी और दोनों आपस में दो रिलेशन अच्छा रहेगा, दोनों के बीच तालमेल अच्छी रहेगी। 6 अप्रैल के पहले भी ठीक रहेगी लेकिन 6 अप्रैल के बाद और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य 9वें भाव से देखा जाता है और 9वें भाव के स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं तो आपका भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लेकिन गुरु जब 22 अप्रैल को द्वादश भाव से गोचर करेंगे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका खर्च होना ही होना है अप्रैल मई जून, इसीलिए कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर करियर की बात करें
तो कैरियर इलेवंथ दसवां भाव से देखा जाता है और दसवां भाव के स्वामी दसवें भाव से ही गोचर कर रहे हैं, तो कैरियर के लिए तो बहुत ही आपका बहुत ही अच्छा समय है। आप जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। अगर कोई एमएनसी में काम करना चाहते हैं, अगर प्रयास करें तो उनको इसमें सफलता मिल सकती है। कोई लोहा संबंधित सीमेंट भूमि से रिलेटेड से कोई काम कर रहे हैं तो उसमें उनको अच्छी खासी बढ़ोतरी मिलेगी। कैरियर के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा समय है। जो नौकरी पेशा है उनको प्रमोशन मिलने का पूरा चांस है और वो मन चाहा जगह उनकी पोस्टिंग भी हो सकती है। अगर इनकम की बात करें तो इनकम 11th हाउस से देखा जाता है और 11th और 22 अप्रैल तक आपका इनकम अच्छा रहेगा क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। 22 अप्रैल के बाद जब गुरु चले जाएंगे द्वादश भाव में तब आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर धन की बात करें तो धन द्वितीय भाव से देखा जाता है। द्वितीय भाव के स्वामी बुध आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो धन का आगमन थोड़ा कम होगा। जो इतना आप सोचेंगे उसके मुताबिक धन का आगमन नहीं होगा, खर्चे बढ़ेंगे, करियर बनेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है उससे निजात पाने के लिए आप शुक्र देव का बीज मंत्र का 108 बार जाप करें या माता रानी की पूजा करें और आप महादेव भोलेनाथ की भी पूजा करें, उनको जल दें, जिससे कि आपको जो भी परेशानी थोड़ी बहुत है उससे आपको निजात मिलेगी। इस तरह से वृश्चिक राशि अप्रैल 2023 के वक्तव्य पर मैं विराम लगाता हूं। कृपया आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।